जया बच्चन को यूं ही गुस्सा नहीं आता। जब उनकी अकड़ को कोई चैलेंज कर देता है तो जया आग बबूला हो जाती है। इसका नमूना आपने कई बार देखा, लेकिन आज हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं। ये ऐसी क्लिप है जो अगर जया आंटी देख ले तो आपका बचा खुचा बाल भी नोच लेंगी। जी हाँ, इस क्लिप में जया नहीं मौसमी चटर्जी है। दरअसल हुआ ये कि मौसमी एक इवेंट में गई। जब वो वहाँ पहुंची, कुछ मीडिया के लोगों ने उनको जया बच्चन समझ लिया और उनका नाम लेकर पुकारने लगे। लेकिन इतने पर भी मौसमी नाराज नहीं हुई, बल्कि उन्होंने हंसते हुए बड़े ही प्यार से कहा, मैं जया नहीं, उनसे बेहतर हूँ। अब तक तो ये क्लिप जया आंटी के बीच घूम फिर के पहुंच ही गई होगी और ये क्लिप देखते ही उनका गुस्सा भर गया होगा। कुछ ही दिनों में किसी ना किसी पर ये निकलेगा, बस आप देखते जाइए। खैर, पिछले कुछ दिनों से लगातार जया बच्चन के गुस्से को लेकर जो खबरें छप रही हैं, उसके बाद से जया आंटी से जुड़ी कई पुराने वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगे हैं। ये वीडियो उन्हीं में से एक है। जया बच्चन ये वीडियो देख ले तो जगदीप धनखड़ की तरह मौसमी के साथ भी बहस करने लगेंगी, क्या पता बाल बाल भी नोच लेंगी। वैसे जया बच्चन के गुस्से से आज सब कोई परेशान है और पिछले कई दिनों से ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब देखिए हाल ही में संसद में जया ने क्या कह दिया। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। सुना आपने, राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने के लहजे पर आपत्ति जताई। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। जया जी, एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी, टेक योर सीट। जया जी, टेक योर सीट। टेक योर सीट। टेक योर सीट। टेक योर सीट। One second, honorable members. Honorable members. Honorable members. No. Bet here. Honorable members. Bet here. I know how to deal with it. Bet here. Jaya ji. सभापति ने विपक्ष को मर्यादित आचरण करने के लिए कहा, वहीं विपक्षी सांसदों ने अपनी बात रखने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले जया बच्चन ने कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ और चेहरे की अभिव्यक्ति समझती हूँ। सर माफ कीजिएगा, आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है, भले ही आप आसन पर बैठे हैं लेकिन हम आपके साथी हैं। इस पर सभापति धनखड़ ने सख्त लहजे में कहा, जया जी कृपया बैठ जाइए, आपने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है, आप जानती हैं कि एक्टर डायरेक्टर के अनुसार काम करता है, आपने वो चीजें नहीं देखी जो मैं यहाँ बैठकर देख रहा हूँ। यू अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन, यू हैव अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन, यू नो एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर। You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. वैसे जया बच्चन के गुस्से वाले बिहेवियर से हर कोई वाकिफ है, सिर्फ सभापति ही नहीं, उनके को एक्टर्स भी उनका गुस्सा झेल चुके हैं। उन्हीं में से एक थे अरशद वारसी, जिसको जया बच्चन ने खूब खरी खोटी सुनाई थी। और अब बारी है मौसमी की। जिस भी दिन मौसमी चटर्जी जया बच्चन के सामने आ जाएंगी, उसी दिन जया को फिर से गुस्सा आ जाएगा। अब तो लोग भी ये कहने लगे हैं कि ऐश्वर्या ने भी जया बच्चन की वजह से ही ससुराल छोड़ दिया है और अभिषेक से भी दूरी बना है। अब आप ही सोचिए, घर में कलेश कौन चाहता है? घर आता है इंसान सुकून के लिए, ना किसी की किचकिच सुनने के लिए। बेचारे अमिताभ बच्चन, अब तो लोग अमिताभ को लेकर भी अफसोस कर रहे हैं कि पता नहीं वो कैसे रहते हैं जया के साथ और इतने साल कैसे गुजार दिए गुस्सैल आंटी के साथ। अब तो जया के लिए हाई टाइम है कि वो अपने गुस्से पर काबू पा ले, वरना ऐसा ना हो कि इस गुस्से के चक्कर में एक एक करके उनके हाथ से सब कुछ निकल जाए। अभी तक तो बहू और पोती ही अलग हुए हैं, ऐसा ना हो कि पति और बेटा भी इनसे किनारा कर ले।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।